प्रश्न आएगा तो लगभग हमें 5 या 3 नंबर का जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है जी दोस्तों, व्यास का मान क्या दिया हुआ है, 21 cm। मान लिखेंगे हम सब यहाँ से लाइन बाय लाइन, पहले, ठीक है ना, पहले वृत्त की त्रिज्या। तो पहला वृत्त, जी हाँ दोस्तों, पहला वृत्त क्या है, गोल्ड है। यहाँ पर आप R1 लिख सकते हैं, कितना दिया है, पट्टी कितना दिया दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, पट्टी दिया हुआ है 10.5 cm। ओके चलिए, यहाँ पर पहला के लिए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना दिया है, 10.5 cm। ओके चलिए, अब देखिए दूसरा के लिए दोस्तों, दूसरे वृत्त। अब दूसरा वृत्त क्या दिया दोस्तों, रेड दिया है। आप लिखेंगे यहां से रेड, रेड के लिए यहां पर R2 है दोस्तों, तो देखिए क्या करेंगे आप, 10.5 दिया था गोल्ड का और इसका भी हो जाएगा 10.5, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा दोस्तों, जी हाँ 21.07 आएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद उसी प्रकार से निकालेंगे तीसरे वृत्त। तीसरा वृत्त क्या है दोस्तों, जी हाँ तीसरा वृत्त है आपका ब्लू। नोट करते दोस्तों, ये हो जाएगा आपका R3, हो जाएगा आपका 10.5 + 10.5 + 10.5, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जी हाँ आपका आएगा रिजल्ट 31.5 cm। ओके चलिए उसी प्रकार हम निकालेंगे चौथे वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, चौथे वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों, चौथा वृत्त कितना है, 1, 2, 3, यानी कहने का मतलब चौथा हो जाएगा आपका ब्लैक, काला वाला। यहाँ पर लिखेंगे इसको R4, हो जाएगा दोस्तों कितना, तीनों को जोड़िए चारों को, 10.5 + 10.5 + 10.5 + 10.5, ठीक है ना, जुड़े कितना होगा दोस्तों, जी हाँ इसको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा कितना, कितना आएगा दोस्तों, जी इसका आएगा दोस्तों कितना, 42 cm। ठीक है ना, चलिए उसी प्रकार हम प्राप्त करेंगे पांचवी पांचवी वृत्त त्रिज्या, पांचवा हो जाएगा आपका वाइट। अब देखिए पांचवा जब व्हाइट हो जाएगा दोस्तों, इसको आप 5 बार जोड़ेंगे, क्योंकि इसका मान 10.5, इसका मान 10.5, इसका भी 10.5, इसका भी 10.5 और इसका भी 10.5, 10.5 5 बार लिखिएगा दोस्तों, जब 5 बार लिखिएगा तो आपका आएगा कितना, 52.5 cm। ओके चलिए ये आपका हो जाएगा R5 दोस्त। ठीक है, ये आपका निकल गया कौन सा, नोट कर लीजिए अभी, नहीं तो ये क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ये R1 निकल गया, ये आपका R2 निकल गया दोस्तों, ये आपका R3 निकल गया, ये आपका क्या हो गया, R4, ये आपका R5, ठीक है ना। चलिए इसको नोट्स कर लीजिए जल्दी से दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे का क्षेत्रफल निकालेंगे पांचों का। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम सब लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर साफ सब लिखेंगे हम लोग, नाव, नाव माने क्या होता है दोस्तों, अब। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालेंगे केस 1, यानी केस 1 का मतलब होता है पहली स्थिति। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ध्यान से दोस्तों, गोल्ड का निकालना है, किसका निकालना है, गोल्ड का। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, ठीक है दोस्तों, गोल्ड का दोस्तों, यहाँ पर निकालेंगे आप गोल्ड का क्षेत्रफल, यानी गोल्ड ब्रिज का क्षेत्रफल। ठीक है, गोल्ड का केस 1 में क्षेत्रफल क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका π R1 का स्क्वायर, क्योंकि इसको R1 माने थे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे पाई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 22/7। R1 का मान क्या हो दोस्तों, R1 का मैंने निकाला था दोस्तों, आपको पता होगा R1 का मान हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया है 21 cm ना, व्यास कितना दिया है 21 cm, d बराबर दिया है 21 cm, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल दें दोस्तों, कितना हो जाएगा, 21/2 यानी 10.5। ठीक है ना, अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, 10.5 लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। ओके चलिए आप नोट करते रहिए, 22/7 जाएगा दोस्तों, गुणे इसको लिखेंगे आप 10.5 × 10.5, ठीक है ना। ये जब काटिएगा देखिए, 7 एकम 7 करेगा दोस्तों,
ठीक है, और 7 5 35 ये कट जाएगा दोस्तों। अब आपका आएगा कितना 22 10, जी दोस्तों 22 गुणे हो जाएगा 1.5 गुणे हो जाएगा आपका 10.5, ठीक है। चलिए अब इसमें गुणा कीजिएगा तो आपका कितना आएगा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों पहले का रिजल्ट आएगा, आप नोट करेंगे यहाँ पर, आपका आएगा 346.5, ठीक है ना, 5। अब देखिए यहाँ क्षेत्रफल पूछा है ना, हो जाएगा आपका cm², ठीक है दोस्तों। ये पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, इसका निकाल दिया गोल्ड का, ठीक है। चलिए आप सब नोट कर लीजिए, नहीं तो मिटका रहे दोस्तों, केस 2, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर केस 2 में क्या हल करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए रेड मैंने गोल्ड निकाला दोस्तों, अब रेड निकालेगा, ठीक है। देखिए रेड अंक वाले दोस्तों, रेड अंक वाले यानी रेड का हो जाएगा क्षेत्रफल, बस डायरेक्ट कर दीजिए यहां से, क्या हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, लिखेंगे हम सब रेड का क्षेत्रफल ना माइनस हो जाएगा, देखिए दोस्तों अगला वाला घटा देंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए तो देखिए रेड के लिए R2 है ना, यहां हो जाएगा देखिए पाई R2² माइनस यहां हो जाएगा आपका पाई R1² क्योंकि गोल्ड को लिए R1 माना था, ठीक है ना, गोल्ड के क्या माना था R1, यहां पर देखिए पाई कॉमन हो जाएगा ना, तो पाई कॉमन ले लीजिएगा, यहां पर क्या बचेगा आपका R2² माइनस हो जाएगा R1², ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा पाई दोस्तों, R2 का मान कितना है दोस्तों, जी दोस्तों मैंने आपको बताया था R2 का मान, तो R2 का मान आया था आपका रिजल्ट दोस्तों, R2 का मान कितना आया था जी, R2 है रेड 21 आया था दोस्तों, कितना आया था 21 आया था, जब 21² रखेंगे माइनस R1 का मान आया था दोस्तों कितना 10.5, यहाँ हो जाएगा आपका 10.5², ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, ठीक है। अब 21² कितना होगा दोस्तों 441 हो जाएगा, माइनस 10.5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा दोस्तों, जी इसमें कैलकुलेशन करना है दोस्तों, आपको घबराने की बात नहीं है। अब 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा कितना 110.25, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 22/7 × 441 में से इतना घटा दीजिए, 441 में से 110.25 घटाइएगा तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, ये तो आपका रिजल्ट आएगा कितना 330.75 आएगा, आप घटा के देख सकते हैं। तो यहां से काटेंगे दोस्तों, जो 7 से काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा, ये कटेगा आपका कितना बार में, आपका कटेगा दोस्तों कितना 47.25 बार में, ठीक है। अब देखिए अब आपका करेंगे 22 × 47.25 में मल्टीप्लाई करेंगे 22 में 47.25 का, तो आपका रिजल्ट आएगा कितना 1039.5 cm², क्योंकि तो क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, cm² हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन ला रेड का, जैसे रेड का निकल चुका है कितना 1039.5 cm², ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, आप आराम से जो है नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप बराबर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट्स करिए दोस्तों, रंग चेंज कर बना रहे दोस्तों, आप लोग आसानी पड़ेगा आप लोग को देखने में। चलिए यहाँ पर केस 3 निकालेंगे, क्या मैंने गोल्ड निकाला, रेड निकाला, अब निकालना है आपको ब्लू, ठीक है। चलिए यहां पर लिखेंगे आप ब्लू, ठीक है, अंक वाले रंग का क्षेत्रफल, अंक का क्षेत्रफल, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां से बराबर। देखिए जब ब्लू लिखेंगे तो रेड में से घटाएंगे, ठीक है, लिखेंगे यहां पर ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस रेड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिए ब्लू के लिए क्या माने दोस्तों, देखिए 1 2 3 3 है दोस्तों, यहां पर हो जाएगा आपका पाई R3² जी दोस्तों, पाई R3² हो जाएगा ब्लू वाला, माइनस रेड के लिए क्या है दूसरा अंक पर है, यहां हो जाएगा पाई R2² ओके। अब यहां देखिए पाई पाई कॉमन हो जाएगा दोस्तों,
यहाँ बचेगा कितना, आर थ्री का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आर टू का स्क्वायर। ओके चलिए यहाँ पर देखिए पाई का मान आप लिख सकते हैं 22/7 जब तक अन्यथा कहा जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आर थ्री का मान मैंने निकाला दोस्तों, आर थ्री का मान आप याद कीजिए, आर थ्री का मान आया था आपका 31.5, ठीक है ना, सेम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। माइनस आर टू का मान निकाला गया दोस्तों कितना, दोस्तों आर टू का मान मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों रेड वाले अंक का कितना 21 cm², ठीक है। चलिए यहाँ पर हल करते दोस्तों 22/7 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई यहाँ रहेगा आपका 31.5 का स्क्वायर है, दो बार कीजिएगा कितना आएगा दोस्तों, आपका रिजल्ट बनेगा कितना 992, याद कीजिएगा 992 बचेगा, दशमलव बचेगा आपका कितना 75, माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से लिखेंगे 22/7 गुणे देखिए 992.75 में से 441 घटा दीजिए, कितना बचेगा दोस्तों, जी हाँ बचेगा आपका कितना, जी हाँ दोस्तों आपका बचेगा 551.25। यहां से इसको काटिएगा 7 से, कटेगा कितना बार में 78.75 में। अब आप 22 × 78.75 करेंगे तो आपका आगे का मान कितना आएगा, आपका आ जाएगा दोस्तों कितना, जी हाँ आपका आएगा 17/32.5 cm², ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सीमा या स्क्वायर में होता है, ठीक है दोस्तों। ये वाला आपका हो जाएगा कौन सा, ब्लू वाला आंसर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिखा आप केस 4 दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग केस 4 निकालते हैं, आप किसका निकालना है, ब्लैक का, ठीक है ना। लिखेंगे हम सब क्या, ब्लैक अंक वाले का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी ब्लैक अंक वाले बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां पर लिखेंगे आप क्या, ब्लैक, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ओके, माइनस ब्लैक के बीच, बस ब्लैक के पीछे वाला ब्लू है तो ब्लू में से घटा देंगे, ब्लू का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए ब्लैक के लिए दोस्तों यहां पर आपका हो जाएगा आर फोर, हो जाएगा यहां से पाई आर फोर का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों पाई आर थ्री का स्क्वायर, क्योंकि आप क्या माने हैं, ब्लू के लिए 3, ठीक है। चलिए यहाँ पर पाई कॉमन हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका बचेगा क्या, अब देखिए यहां पर आपका बचेगा दोस्तों क्या, आर फोर का स्क्वायर माइनस आर थ्री का स्क्वायर, ओके ना। चलिए यहां पर आप लिखेंगे पाई का मान 22/7, ओके। अब देखिए आर फोर का मान हमने निकाला दोस्तों, आप लोग देखे होंगे ध्यान से, तो आर फोर का मान यहां से हो जाएगा कितना, 31.5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हल कीजिए दोस्तों, देखिए 22/7 हो जाएगा आपका 7 गुणे देखिए ये 42 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे आप 42 × 42 तो हो जाएगा आपका 1764 माइनस 31.5 का स्क्वायर है, तो इसका वर्ग करेंगे यानी दो बार लिखेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 992.5, ठीक है ना। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे, 992.25 आएगा, ठीक है। अब देखिए 22/7 हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ से देखिए 1764 में से 992.25 घटा दिए दोस्तों, कितना बचेगा आपका रिजल्ट आएगा कितना, जी हाँ दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा 771 यानी 771.75, ठीक है। अब यहाँ से 7 से काटेंगे, कट जाएगा दोस्तों कितने बार में, कटेगा ये 110.25 बार में, ठीक है। चलिए अब आपका करेंगे दोस्तों 22 लिखेंगे गुणे हो जाएगा आपका 110.25, ठीक है ना। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24, ठीक है ना, 25.5 cm², एंड 2425.5 cm² आएगा दोस्तों, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, आप यहाँ से बराबर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
या इम्प्लाइज मार सकते हैं। चलिए इसको नोट्स कर लिए दोस्तों, क्योंकि हम मिटकाने जा रहे हैं। अब हम लोग निकालेंगे केस फाइव। केस फाइव का मतलब समझ रहे हैं, व्हाइट वाला, ठीक है ना, फाइव यानी स्थिति फाइव में, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप लोग बोर्ड गेम लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। यहां से निकालेंगे हम लोग जी दोस्तों, व्हाइट अंक वाले, व्हाइट अंक वाले, व्हाइट अंक का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। यहां से आपका हो जाएगा दिस दोस्तों, यहां पर हो जाएगा आपका व्हाइट का क्षेत्रफल माइनस, देखिए व्हाइट के पहले क्या है, ब्लैक है ना, यहां पर हो जाएगा आपका ब्लैक का क्षेत्रफल, ठीक है, ब्लैक रंग वाला क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए व्हाइट के लिए आप माने थे आर फाइव, यहां पर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा फाइव माइनस, यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा कितना आर स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे फोर, ओके। चलिए यहां पर पाई कॉमन ले दोस्तों, और आर फाइव का मान कितना होगा दोस्तों, जी हम निकाले थे 52.5, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पाई कॉमन हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आर फोर, तो आर फोर का मान कितना था जी दोस्तों, आर फोर का मान था 42 सेम स्क्वायर, 42 आया था दोस्तों आर फोर का मान, तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। चलिए यहाँ पर पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7, अब देखिए 52.5 का स्क्वायर है ना, इसको दो बार लिखिएगा दोस्तों, इसका मान है कितना 2756.25, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 42 का स्क्वायर करेंगे आपका आएगा 1764, ओके। चलिए यहाँ पर लिखेंगे आप 22/7, ठीक है ना, अब इसमें से देखिए घटा दिए दोस्तों, यहाँ पर घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, घटाएंगे तो आपका आएगा 992.25, ठीक है ना। चलिए इस काटिए दोस्तों, सात से काटेंगे कितना मन कटेगा जी दोस्तों, यहाँ से कट जाएगा 7 × 7 यानी 141.75 बाद में कट जाएगा ये, ठीक है 141.75, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा दोस्तों, आपका आएगा 3118.5, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3118.5 सेमी स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, जो कि ये कितना है व्हाइट वाले का क्षेत्रफल है, व्हाइट अंक वाले, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्तों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है।